हे गाइस, वेलकम टू छोटा बादशाह। हम दोबारा से खेलने वाले हैं लॉकी क्राफ्ट। गाइस, आपको तो पता होगा पिछले लॉकी क्राफ्ट के एपिसोड में हम लोगों ने कर ली थी फार्मिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा सीड और व्हीट फार्म और ये हमारा काउ फार्म। कैसे हो भाई, सब ठीक ठाक ना? तो गाइस, ये वाले एपिसोड में हम लोग बनाने वाले एक स्विमिंग पूल, जिसके लिए मुझे बहुत सारा कॉबलस्टोन लगने वाला है और शायद से दो शवल लगने वाली है। और लेकिन गाइस, वो बहुत मस्त होने वाला है। और हाँ, मैं कॉबल स्टोन का बना रहा हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। और मैं पिछले वाले एपिसोड में बोला था मुझे ये है ना माउंटेन के मतलब उस पार जाके एक बार देखना है, तो मुझे चल तो अभी है ना मैं उस साइड ही जा रहा हूँ, तो फटाफट से उस साइड चलते हैं और देखते हैं कि उस माउंटेन के पीछे क्या है। गाइस, तो दूसरी और एक मिनट, क्या वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ? वहां पे मुझे विच का घर दिख रहा है भाई। विच का घर माइंड वो लॉकी क्राफ्ट में भाई। गाइस, बहुत रेयर होता है, मैं जाने वाला हूँ। मेरे पास एक्स भी है, पर भाई यार रात भी हो रही है। एक तो गाइस यहाँ पे ना स्लाइम आता है, हेल्थ तो फुल है पर हंगर लो है। प्लीज विश विच नहीं होनी चाहिए उधर। वाह गाइस, क्या मस्त है यार विच का घर। एक्सप्लोर करने में भी मजा आएगा। वैसे एक ही रूम है सिर्फ, बहुत ही कंजूस है विच। प्लैंक लगा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, प्लैंक लगा देते हैं। पोशन ऑफ पॉइजन है एक, ये फूल टाइप भी है। और इसमें है क्या आखिर? मेरे पास ग्लास भी नहीं है ना, मैं देखना था इसमें आखिर है क्या। लेकिन गाइस, मैंने गलती कर दी, इस वक्त आ चुका हूँ मैं। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग जाएंगे फिर भी घर पर। वैसे वो जगह कहाँ थी, मेरा घर कहाँ पे है भाई? ये एड गाइस, मुझे मेरा घर नहीं मिला। क्रीपर, क्या मजबूरी आम पड़ी थी कि तू मेरी तरफ आ रहा है? छोड़ दे, एक काम करता हूँ, मैं पानी के अंदर से जाता हूँ। ओ भाई गाइस, स्केलेटन ज़ॉम्बी विलेजर, क्या क्या नहीं है उधर? मैं गया भाई, गाइस मैं गया। हाँ शायद गाइस ये वही रास्ता है मेरे घर का। ये गाइस है फाउंड में घर, क्या घटिया घर था भाई। एक ओह गाइस, लगता है विच नाराज हो चुकी है अपने से। हम उसके घर जाके है ना, ये हमारे घर में आ चुकी है। गाइस मैं अंदर नहीं जा पा रहा भाई, डर लग रहा है। पर मेरी ब्रेड का 50 ब्रेड लेके घूम रहा हूँ पर खाने एक भी नहीं है। गाइस हमको रिस्क लेना पड़ेगा, वी आर द चैंपियंस। और गाइस जैसे मैंने बोला वी आर द चैंपियंस, वैसे विच अंदर गिर गई। बंद करो, यू कांट थ्रेश नाउ बिकॉज मॉन्स्टर्स आर नियर बाय। वाह, रोक सकते हो भाई, क्रीपर रोक सकता है। क्रीपर प्लीज मैं फार्म से चला जाऊं, प्लीज घर पे मत पूछियो। हाँ अच्छा हो गाइस, मैं खाना था तो मैं फुल स्पीड में आ पाया, मर गया मैं एकदम से। ऐड आ गई, क्रीपर मुंह पे आके फट गया। ये लॉकी क्राफ्ट में ना ऐड आ जाती है ना, सब कुछ बकवास हो जाता है। तो गाइस अब मैं सोचा था स्विमिंग पूल अपने बैक साइड पे बनाते हैं इस साइड। हाँ पहले गाइस मैं ना बहुत सारा कॉबल स्टोन ही लेके आ जाता हूँ यहाँ से। गाइस मैं कॉबल स्टोन की माइनिंग ही कर रहा था और देखो तुरंत मुझे आयरन इतना सारा मिल गया भाई, आयरन। तो गाइस 4 स्टैक्स से
चार स्टैक टोटल में आयरन, ये आयरन बोल रहा हूँ, कॉबलस्टोन ले चुका हूँ और मेरी आयरन पिकेक्स की हेल्थ भी आधी हो चुकी है, वुडन पिकेक्स भी खत्म और कॉबलस्टोन पिकेक्स भी खत्म। तो सबसे पहले आई थिंक हमको 8x8 का बनाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8x8 का, हाँ इस वैसे 8x8 का ठीक है, या फिर चलो 10x10 कर देते हैं। बस भाई पिग निकल, एक बार देख लेते एकदम परफेक्ट हुआ कि नहीं। स्क्वायर तो लग रहा है, अब तक स्विमिंग पूल रेडी नहीं हुआ, अपना हिस्सा मांगने पहले चाह गए, पहले चाह गए, पहले चाह गए। हाँ भाग दुम दबा के। तो गाइस मैंने इतना अभी बना लिया, थोड़ा सा ये बाकी है। और हाँ मेरी पूरी आयरन की शवल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने आयरन अभी अंदर इंगिट बनाने के लिए रखा हुआ है। तो जब जैसे वो इंगिट बनेगा और मैं करूँगा। और हाँ मेरी कॉबल, ओ भाई क्या किस्मत है, मैंने एक तोड़ा नीचे मुझे आयरन मिल गया। ओ भाई तो सारा आयरन, नाइस 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 नाइस। और गाइस ये देखो आ चुके हैं माई ब्रांड न्यू आयरन की शवल। और अब तो देखना भाई इतना फास्ट टूटेगा ना, इतना फास्ट टूटेगा ना, देखते रह जाओगे इतने जल्दी जल्दी टूटा आयरन की शवल से। और सोचो गाइस अगर डायमंड की शवल होती तो कितना फास्ट टूटा, लेकिन डायमंड की शवल होती तो ना, डायमंड तो अपने नसीब में ही नहीं है क्योंकि हम लोग माइन करने ही नहीं जाते, क्योंकि लॉकी क्राफ्ट में डायमंड मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइस दिस इज दैट मोमेंट कि हमारा हर एक जगह कॉबलस्टोन का होने वाला है। गाइस दिखने में जितना आसान होता है ना उतना ये करने में नहीं होता, देखो पूरा अब ये कॉबलस्टोन का बन चुका है। यस फाइनली, अब सबसे पहले है ना, हाँ यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स है। शवल की जगह बकेट लेके चालू करते हैं पानी डालना, इसको तोड़ना पड़ेगा। गाइस देखो क्या मस्त लगा, और ये है ना अच्छी ट्रिक है कि अगर है ना आप हर एक मतलब ऐसे ब्लॉक पे हर एक करते जाओ ना, अगर आपको प्लेन चाहिए तो एकदम आपको जैसा प्लेन चाहिए ना वैसा ही होगा। देखो जैसे मुझे प्लेन चाहिए, मैंने अगर इधर उधर ऐसे डाल देता ना तो मैं प्लेन नहीं आता, इसलिए ये तरीका एकदम बेस्ट है। और ये लास्ट है, उसके बाद हमको करना पड़ेगा एक दूसरा ट्रिक। ओके ये हो चुका है, अब हमको एक काम करते हैं, ये ऐसे ट्राई करते हैं। ओके ऐसे तो नहीं होता है। ओके तो एक काम कर सकते हैं, इसको लेंगे और यहाँ पे पानी डालेंगे और उसके बाद बेल लगाएंगे और सो जाएंगे। वापस से पानी उठाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, वापस से पानी उठाएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे गड़बड़ हो गई, इसको हटा कर एक अभी चाहिए। एक नीचे लगाना था, अब ठीक है।
तो अब पूरी जगह हो चुका है, मैं यहाँ का एक बार तोड़ देता हूँ। फाइनली पूरा स्विमिंग पूल रेडी, बस अब अंदर का ब्लॉक हटाना है। गाइस फाइनली मेरा पूरा को पूरा स्विमिंग पूल रेडी है भाई, मतलब कतई बहुत मस्त है। तो गाइस फटाफट से दिखा दो, बहुत मस्त। 3, 2, 1, वाव। देखो गाइस वाटर स्लाइड भी है, जंपिंग पैड भी है, और ये स्विमिंग पूल तो देखो गाइस मैंने इतनी मेहनत की। सब्सक्राइब तो कर ही दो, सबूत दिखाओ। ये देखो 12:47 AM, ऊपर देखो स्क्रीन के, रात को देखो 1 बजने वाला है रात का। मैं तब तो वीडियो बना रहा हूँ, सोचो रात भर जग जग के वीडियो बना। तो इस मेहनत के लिए लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना चैनल को। तो पहले जंपिंग पैड करेंगे, 3, 2, 1, वाओ, ओह माय गॉड। अब चलो ये स्लाइड में तो बहुत मजा आता है। ये देखो पहले ऊपर जाएंगे, और मैंने कॉबलस्टोन इसे लगाया ताकि पानी इधर उधर ना जाए। तो स्लाइड करते, वाओ मजा आता है। तो अब चलो अब हम, ओए नहीं, गाइस मैं जैसे एंडिंग करने वाला था, क्रीपर अच्छा वो मैं इसको कुछ नहीं हुआ, अगर एक ब्लॉक फूटता ना मेरी पूरी मेहनत जाती भाई। अच्छा हुआ ये क्रीपर लोगों को है ना कहीं पे भी आके फूट जाते। तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।